हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी चेहरे को आज पहली बार देख रहे हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। दिस इज सोलांकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हाउस ऑफ सोलांकी। मैं बेसिकली ब्यूटी ब्लॉगिंग के ऊपर ये मेरा चैनल है, जहाँ पे आपको स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड सारे समस्याओं का समाधान मैं देती हूँ। मतलब जितना मुझे पता है उतना देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब ऐसे ऐसे वाला प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं कौन सा वीडियो कब डाल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि बात सलाइवा की होने वाली है। सलाइवा वो है जो हमारे मुंह के अंदर जो थूक बनता है, जो लार बनती है, उसी को सलाइवा कहा जाता है। हमारे मुंह के इस साइड और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है, वहां से सलाइवा निकलता है। सलाइवा का बहुत सारा उपयोग होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, मतलब कुछ भी इसमें फेंकने लायक है ही नहीं। इतना ये यूजफुल एक चीज है, एक प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर से निकलता है। अब इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको छोटा सा एक बता दूं कि ये एपिसोड आप पूरा देखना, आधे छोड़कर जाओगे फिर आपको प्रोसेस का आधा पता चलेगा, कुछ गलत कर लोगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सलाइवा को हम अपने स्किन केयर में कैसे ऐड कर सकते हैं और इससे ऐसे ऐसे बेनिफिट्स है जो आपको दूसरे चीजों से नहीं मिलेगा। बेसिकली सलाइवा जो होता है वो होता है 99% वाटर। इसके साथ साथ इसमें एंजाइम्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। इसमें काफी ज्यादा जो मात्रा है एंजाइम्स का है, तो ये हमारे खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आपको जितना भी हो सके सलाइवा को, मतलब जो हमारे मुंह में जो थूक बनता है, जो लार बनती है, उसको कोशिश करना कि बाहर ना फेंके। ये आप जितना हो सके अब अंदर इसको ले, तो ये आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। अब हेल्थ बेनिफिट इसके ऊपर क्या क्या है, मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊ। ये वीडियो डेडिकेटेड है कि सलाइवा को हम कौन कौन से स्किन केयर रूटीन में ऐड करें जो कि हमारे स्किन को अच्छा करे, काफी सारी चीजों को हील करता है। तो चलिए वो सारे पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से काम करता है हमारे मुंह का थूक, मुंह का लार जो भी कह लो। तो पहला जो पॉइंट आता है जो कि हम अपने मुंह के सलाइवे से, अपने मुंह के थूक से हम ठीक कर सकते हैं, वो होता है एक्ने। अब एक्ने को लेकर मैंने काफी सारे एपिसोड भी बना रखा है, अब वो भी जाकर देख सकते हो। पर ये एक है वन एंड ऑल प्रोडक्ट, मैं मानती हूँ कि सलाइवा से काफी जल्द आपको एक्ने से निजात मिल सकता है। एक ये होगा एक एक्ने का, एक्ने के बाद जो होता है कि स्पॉट, जैसे आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, हालांकि मैं भी इस्तेमाल करती हूँ इसी प्रोसेस से, काफी मुझे फायदा भी मिला है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट है, आपको भी पता है अगर आपको एक्ने है तो ये कितना मुश्किल हो जाता है, एक्ने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक्ने का जो स्पॉट रह जाता है, जो दाग धब्बे रह जाते हैं, उनको हटाना। तो इसके लिए भी आप सलाइवा का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ मैं एक बता दूं कि किस टाइम पर आपको इस सलाइवा को अपने स्किन में लगाना चाहिए। आप जब सुबह सुबह उठ रहे हो, बिल्कुल आपका मुंह बासी है, आपने पानी नहीं पिया है, उस वक्त का आपका बिना पिए हुए मुंह का, जैसे आप सुबह सुबह उठे उसी वक्त आपको अपने चेहरे को थोड़ा पानी से धो लेना है, उसके बाद अपने अपने सलाइवा को अपने हाथों में निकाला और उससे आपने पूरे अपने चेहरे का मसाज किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको कितना जल्दी इससे राहत मिल रहा है, क्योंकि मैंने काफी मेरे दोस्तों को ये सजेस्ट किया और उनको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट आया है। अब इसके बाद आता है जो कि होता है एक्ने स्कार, जो कि कुरेदने से, कितना भी कह लो कि एक्ने को मत छुओ, मुझे भी है, मुझे तो ये हो जाता है कि हम छू लेते हैं, थोड़ा उसको कुरेद भी देते हैं, तो उससे एक्ने स्कार्स बन जाते हैं। अब थैंकफुली मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूली यूज करती हूँ, तो शायद वो भी एक वजह हो सकती है कि मुझे स्कार्स नहीं आए। पर जिनको भी स्कार्स है तो आपको पता ही होगा कि ये नहीं जाता कुछ भी। अब एक कर लो कि लेजर ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं मुमकिन है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, हर जगह नहीं मिलता। किसी गलत क्लिनिक में अगर किसी गलत इंसान के हाथों से आपने करवा लिया तो हो सकता है कि बाड़ा बस जाए चेहरे का। तो ये एक किफायती मुफ्त का प्रोडक्ट है जो आप अपने स्कार्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा,
आप अगर कंटिन्यू रोज इसको सुबह उठकर, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि किस तरीके से आपको सुबह उठकर बिना पानी पिए आपको बासी लार को लगाना है, तो अगर आपने इस तरीके से कंटिन्यूअसली इसको फॉलो किया तो मुझे लगता है कि विद इन 6 मंथ आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। ये एक्ने स्कार्स के लिए तो मुझे लगता है कि रामबाण उपाय है। आपके खुद के मुंह का लार और खुद के मुंह का जो भी थूक कह लो या लार कह लो, स्लाइवा कह लो, तो ये स्किन केयर की बात आती है तो बहुत एक जिद्दी प्रॉब्लम कह लो आप इसको, जो होता है डार्क सर्कल्स, जो कि हमारे आंखों के नीचे का जो कालापन होता है उसी को डार्क सर्कल्स कहते हैं। तो इसके लिए भी मेरा मानना है कि मैं भी अप्लाई करती हूँ। मैंने ये इस हिसाब से भी मैंने अपने दोस्तों को जिन्होंने भी मुझसे डार्क सर्कल्स के लिए कुछ भी मुझे बोला कि आप मार्केट का कोई प्रोडक्ट बता दो, मैंने कहा कि तेरे पास मुफ्त का प्रोडक्ट है, तेरे खुद के पास है, कि कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप डार्क सर्कल्स के लिए भी आप इस स्लाइवा को, अपने मुंह के लार को इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोसेस वही सेम है कि आपको सुबह उठकर बिना पानी पिए सिर्फ अपने चेहरे को सिंपली पानी से धोकर आपको बासी थूक अपने आंखों के नीचे लगाकर हल्के उंगलियों से थोड़ा आप मसाज कर लो, फिर उसको कुछ 15-20 मिनट रख के आप सिंपली पानी से धो लो। ये मैंने शायद बताना मैं भूल गई कि आप जब भी स्लाइवा को अपने स्किन में लगाते हो तो उसके बाद आप कुछ भी क्लेंजर या फेस वॉश का इस्तेमाल अपने स्किन के लिए नहीं करोगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक। उसके बाद अगर आपको कहीं बाहर निकलना है तो उसके बाद आप कर सकते हो, मतलब थोड़ा वक्त उसको भी एंटर करने के लिए हमारे स्किन के अंदर थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत स्लाइवा को लगाए कुछ क्लेंजर लगा के उसको धो दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ी देर उसको देना पड़ेगा कि वो थोड़ा अपना काम कर सके। तो इस तरीके से आप अपने आंखों के नीचे का जो कालापन है उसका भी इलाज कर सकते हो अपने मुंह के लार के थ्रू। स्लाइवा का एक और यूज ये है कि ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। अब किसी का बहुत ज्यादा इंटेंसिव ड्राइनेस होती है उनके स्किन में, उसके साथ साथ उनको उनके स्किन अगर सेंसिटिव हो जाए तो वो काफी ज्यादा मार्केट की प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लेकी स्किन हो जाता है। तो ऐसे स्किन को अगर मॉइस्चराइज करना है तो आप स्लाइवा का इस्तेमाल अपने चेहरे के लिए कर सकते हो। आप सिंपली जैसे मैंने बताया कि आपने सुबह उठकर इसको जिस तरीके से लगाना होता है आपने थोड़ी देर रखा, उसके बाद आप धो सकते हो। तो स्लाइवा एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। स्लाइवा का एक और इस्तेमाल ये है कि इट हैज अ नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टी। इसमें दर्द को कम करने की क्षमता होती है। तो कभी अगर आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, मच्छर काट लिया, छोटे छोटे चीजों के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया तो ये आप करो, नहीं उसमें नहीं होगा। सिंपल सा मच्छर ने काट लिया, कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हमारे घर में होते रहते हैं सीजन चेंज के दौरान जो आते हैं, अगर वो सारे कीड़े मकोड़े या मच्छर ने काट लिया तो आप तुरंत अपने मुंह का स्लाइवा उस जगह पर अगर लगाओगे तो वो तो काफी जल्द, बहुत जल्द वो हील करेगा उस जगह को और आपको जलन काफी जल्द उसमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो आप ये अपने घर के बच्चों को भी सिखा सकते हो, क्योंकि वो बाहर खेलने जाते हैं, पार्क में जाते हैं खेलने या बच्चों के साथ खेलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसके साथ माता पिता रहे। तो आप उनको ये छोटा सा टिप सिखा सकते हो कि अगर कोई किसी मच्छर ने काट लिया तो तुरंत आप मुंह का थूक लेकर उस जगह पर अगर लगाओगे तो वो दर्द बहुत जल्द कम कर देता है और उसका जो इन्फेक्शन है वो फैलने से रोक जाता है। तो इस तरीके से भी आप स्लाइवा को इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्लाइवा का एक और इस्तेमाल जो आप अपने स्किन के लिए कर सकते हो वो है हमारे स्किन में जो दाग हो जाते हैं, जो धब्बे हो जाते हैं, जो स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, बहुतों को मंकी माउथ कहा जाता है, इस एरिया पे कालापन आ जाता है, बहुत जिद्दी होते हैं। अगर इस एरिया पे कालापन किसी को भी है, डार्कनेस है, तो आपको पता होगा कि जाने का नाम नहीं लेते आप, कितना भी महंगा प्रोडक्ट लगा लो, कितना भी नुस्खे कर लो, लेकिन आप अगर इसी बासी थूक को अगर अपने दाग धब्बों पर लगाओगे, रेगुलर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, तो आपको थोड़ा सा इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पेशेंसली इसको फॉलो करना पड़ेगा और ये अपना रिजल्ट जरूर दिखाएगा।
तो आप अपने चेहरे के दाग धब्बों के लिए, स्किन का जो भी डिस्कलरेशन हो चुका है उसके लिए, या मंकी माउथ जिसको कहा जाता है उसके लिए भी आप अपने मुंह का थूक या स्लाइवा तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसको भी आपको थोड़ा पेशेंसली अगर इस्तेमाल करो तो 2-3 महीनों के अंदर आपको काफी ज्यादा फर्क, काफी ज्यादा डिफरेंस इसमें आपको नजर आएगा। स्लाइवा का एक और जो यूज है, जो कि हमारे पैरों में, पैरों के नाखूनों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, नेल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी आप बासी थूक को लगा सकते हो। ये काफी ज्यादा आपके पैरों को हील करेगा, काफी जल्द पैरों को ठीक करेगा। कई बार जो पैरों के इन्फेक्शन होते हैं नाखून के, जो नेल्स इन्फेक्शन होता है, तो वो दवा से भी नहीं ठीक होता। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि दवा से भी नहीं ठीक होता है, तो ऐसे स्थिति में आप अपने मुंह के लार को इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप स्लाइवे से अपने नेल इन्फेक्शन को भी दूर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि बासी थूक को ही आपको अपने नेल्स पर लगाने होंगे, तो ये काफी जल्द क्योर करता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जलने का दाग, किसी वजह से अगर किसी को भी कुछ पार्ट, अपने बॉडी का कुछ पार्ट अगर जल गया है, तो वो तो डॉक्टर फिर सही कर देते हैं, इलाज कर देते हैं, उसका दर्द चला जाता है, पर उस जलने के बाद जो स्किन का जो दाग है वो मिटाना काफी, वो जिद्दी दाग होता है वो नहीं जाता, वो जो स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, जो घिंचा घिंचा सा स्किन हो जाता है, तो इसको मिटाने के लिए भी स्लाइवा यानी कि हमारे मुंह का लार या थूक, ये एक रामबाण है। तो अगर किसी को जलने का दाग हो तो उसके ऊपर भी आप रोज सुबह उठकर बासी स्लाइवा को, बासी लार को आप अगर लेकर मसाज कर दो ठीक से, तो विद इन 6 मंथ आपको काफी ज्यादा रिजल्ट इसका आएगा। पर ये हमारे पास कुदरत का दिया हुआ एक फ्री का जो है दवाई कह लो, इतने सारे मैंने इसके मतलब गिनवा दिए इसके इतने सारे बेनिफिट। तो ये था आज का एपिसोड कि हम अपने मुंह के थूक को, मुंह के अंदर के लार को किस तरीके से अपने स्किन केयर में ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा स्किन बेहतर रहे, बेटर रहे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर। सीजन चेंज हो रहा है तो काफी सारे बीमारियां भी इसी टाइम हो जाती है, तो अपने अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना। फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए रेमेडी के साथ, इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड